तरफ रोजगार जो देने वाली जो संस्था थी रेलवे, जो कि मैंने देश से और कहा जाए तो सबसे बड़ा रोजगार देने नेटवर्क थी, इसको रेलवे को बेच दिया। आप सोच सकते हैं इनकी नीति किस तरह से है, रोजगार एक तरफ से खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यू शिक्षा नीति लाकर जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब प्राइवेट हो जाएगी सारी चीजें तो अच्छा काम होगा, अभी सही से लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, कर्मचारी ठीक विकास होगा नहीं, काम नहीं करते हैं। जब कोरोना काल आया था, जब कोरोना काल देश की जनता पूरा कोरोना से त्राही माम थी, जनता को जान बचाने के लिए सब लोग जागरूक हो रहे थे, उस समय प्राइवेट निजी जो अस्पताल थी कहाँ थी, क्यों दरवाजा बंद कर लिया था? अभी भोजपुर आरा का ज्वाइंट सेक्रेटरी आयशा का, जो अभी जंतर मंतर पे स्टूडेंट पार्लियामेंट का आयोजन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कोरोना काल जब देश में चल रही थी, पूरा देश की जनता कोरोना से त्राही माम चल रही थी, पूरा विश्व जब कोरोना से लड़ रही थी, उसी समय मेरे मोदी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, पिछली गेट से जिस तरह से तीनों कृषि कानून लेकर आया, पिछली दरवाज़ा से संसद में जोर जोर जबरदस्ती पास करवा दिया, लेकिन इस ये जो शिक्षा नीति इस पर ना संसद भवन के पटल पर ले गया गया है, ना राज्यसभा के पटल पर ले गया है, जो कि मेरा जो शिक्षा आता है समर्थी सूची में आता है। आप भी जानते होंगे कि शिक्षा समर्थी सूची का विषय है, इसमें जो होता है केंद्र और राज्य के दोनों की सहमति होती है। ये जो शिक्षा नीति लाए हैं ये सिर्फ मैंने जिस तरह से पहले ज़माने में मैंने पूरे वैदिक काल के समय कहा जाए जिस तरह से राजाओं महाराजाओं का चलता था कि हम आपको बोल दिए उस चीज़ को आपको मानना है, मानिए अथवा मन मानिए, हम जो नियम बना दिए वही चलेगा। आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि अभी राजशाही व्यवस्था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजशाही व्यवस्था चल ही रहा है। बताइए मेरा देश जो बता रहे हैं आपको, सही व्यवस्था में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी? नहीं थी, लेकिन उस चीज़ को धीरे धीरे मोदी सरकार ने ला रहे हैं। जिस तरह से किसानों के विरुद्ध तीनों कृषि कानून लाकर उनको के आंदोलन की ओर ले जाने के लिए उन्होंने मौका दिया, और जिसके लिए हमारे देश के किसानों ने 800 से ऊपर शहादत दी, लास्ट में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इतना सही नहीं तो क्या है? उसी तरह से न्यू शिक्षा नीति, जो कि मेरा संविधान कहता कि लोकतांत्रिक देश है, सब चीज़ को लोकतंत्र के अनुसार ले चलते हैं, लेकिन यहाँ संविधान के अनुसार देश के और मान लीजिए कोई भी नियम कानून ला रहे हैं तो संसद में बात चर्चा उस पर चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा के लिए राज्यों की हर राज्य से उसको सहमति लेनी चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। पिछली दरवाज़ा से लाकर थोप दिया गया कि हम नई शिक्षा नीति ला दिए हैं, आपको मानना है किसी भी हर हाल में, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उस पर स्किल पे काम होगा, उस पर स्किल पे डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने। कोई लड़का 3 साल का कोर्स करता है और 1 साल में ड्रॉप करना चाहता है, 1 साल का सर्टिफिकेट मिला जाएगा और जो एग्जाम है उस पर जोर नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना? एकदम बिल्कुल उस पर बात बोल रहे हैं। इन्होंने जो न्यू शिक्षा नीति लाया है इसको 4 ग्रुप में बांट दिया है, 5, 3, 3, 4 में। जो पहले जो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में चलती है कि नर्सरी के बच्चा में एडमिशन होता है, नर्सरी में होता है, 3 साल में एडमिशन होता है, तो मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में तो उस तरह से व्यवस्था होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्ले का स्कूल होता है, प्ले का टीचर होता है, उसको देखभाल करने के लिए, उसको पोटी लग रहा है, सुसु लग रहा है तो उसको देखभाल करने के लिए टीचर होते हैं। आप ही बताइए, आप बिहार से आते हैं, बिहार से हम भी आते हैं, बिहार के प्राथमिक स्कूल में जाइए, क्या नर्सरी को बच्चा को पढ़ाने के लिए उस तरह की व्यवस्था किया गया? प्ले का टीचर है वहाँ, प्ले का स्कूल है, उसके खेलने के लिए व्यवस्था किया गया? पहले तो उस चीज़ को व्यवस्था करेंगे ना, तब ना उस चीज़ को हम लाएंगे। इन्होंने पहले ही थोप दिया कि हम लेके आ गए हैं, और इन्होंने कह रहा है कि उस चीज़ को अगर फुलफिल नहीं करेगी कोई भी स्कूल उसके मान्यता रद्द कर देंगे। तो आप सोचिए कि प्राथमिक स्कूल में कौन पढ़ता है बेट, कौन बच्चा पढ़ता है? किसान मजदूर जो बेरोजगारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टमटम चलाते हैं, किसान के बाल बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, न कि मोदी अमित शाह के बाल बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, न कि पूंजीपतियों के बाल बच्चा पढ़ते हैं। तो आप बताइए किसको घाटा होगा वहाँ पे? पूंजीपतियों को तो नहीं घाटा होगा, तो शिक्षा ले सकते हैं, माउंट लिटरेचर मिलेंगे, DAB मिलेंगे, जिन पोल में मिलेंगे, बहुत तरह के उनके पास स्कूल है, उनमें तो शिक्षा ले लेंगे। लेकिन बेदखल किसको किया जा रहा है शिक्षा से? गरीब तबके से आने वाले, शोषितों से आने वाले गरीब गुरबों के बाल बच्चों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैट्रिक बोर्ड हटा दिए। अरे मैट्रिक बोर्ड हटाने से बिहार तबके से आने वाले बच्चों को बहुत घाटा हो रही है, जो कि बच्चे वहाँ से आर्मी में जाते हैं, मैट्रिक आप भी जाते हैं कि जो आर्मी की बाली होती है, GD की बाली होती है, मैट्रिक पर होती है, SSC की GD की बाली जो मैट्रिक पर होती है, उनका तो नौकरी खत्म। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन ला दिया 4 साल का। बताइए जो बिहार में हम आते हैं, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ BA की पढ़ाई 3 साल की पढ़ाई 5 साल में पूरा नहीं होती है, तो आप बताइए 4 साल जो करेगा BA की पढ़ाई, सोचिए आप कितने साल में पूरा होगा। उतने में हमारी बहन की जो हम भी जानते हैं कि मैंने लड़कियों के कोई
नहीं पढ़ाता है गरीब परिवार के, किसी तरह से हमारे घर के बहन बेटियां पढ़ती हैं उनको तो सबसे ज़्यादा घाटा होगा, और हम लोग को भी उससे भी ज़्यादा घाटा होने वाला है जो गरीब गुरुए से आने वाले हैं। इस तरह से हम लोग उनके लिए यहाँ पर हम लोग एक महीना पहले से हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभियान चलते हुए, सिग्नेचर अभियान चलाते हुए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में देश के चलाते हुए आज हम लोग 31 मई को यहाँ पर आपके जंतर मंतर पर पहुँचे हैं सरकार को आगाज कराने लेके शिक्षा नीति को जो आपने लाई है उसके खिलाफ आज पहला आंदोलन जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ है, और आगे इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जिस तरह से किसानों ने आपको सर झुका दिया उसी तरह से छात्र नौजवान देश के किसान मजदूर से आने वाले छात्र नौजवान जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में वो आपको उसी तरह से सर झुकाएंगे और आपको इस नीति को वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है अगर जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है जो टीचर की बात कर रहे हैं आप और वो सही कर दिया जाए तो एजुकेशन पॉलिसी पे आप लोग बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कीजिए ना, उसको पहले बढ़ाया कीजिए। अभी देखिए कि पूरा देश भर में जिस तरह से कोरोना काल चल रही थी उस समय से अभी तक पूरा 62,000 से ऊपर सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया या तो एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया था, और उसके जो दूसरी ओर 15,000 से ऊपर प्राइवेट स्कूल को खोल दिया गया। ये कहाँ शिक्षा पर बात कर रहे हैं, ये तो निजीकरण पर बात कर रहे हैं। बिहार में कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो एजुकेशन पर एजुकेशन की बात चलती है तो एजुकेशन वहीं की वहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कहना चाहते हैं वहीं से तुम बात कर रहे हैं, मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है, पूरा देश जानती है कि डबल इंजन सरकार तरी से टर्मलाता है तो एगो इंजन पीछे से खींचता है एगो इंजन आगे उधर भागती है। तो अब बताइए हम जिस यूनिवर्सिटी में बीरकोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बीरकोर्स यूनिवर्सिटी का ऐसी दशा है वहाँ के माने परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, वहाँ के वीसी नहीं है, वहाँ के वीसी दूसरी जगह के काजभार देख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के गया यूनिवर्सिटी जो गया विश्वविद्यालय है वहाँ की वीसी एक ही है और बीकेर्स की वीसी एक ही है, आप बताइए कैसे चलेगा? माने एक ही कुलपति को दो दो जगह प्रभार दिया जा रहा है, हर सेशन लेट चल रहा है। वहाँ की बात कर रहे हैं तो लाख कॉलेज जो गरीब बच्चे पढ़ते थे एक सरकारी स्कूल से लाख करते थे, वहाँ की लाख कॉलेज को पूरे बिहार में मान्यता रद्द कर दिया गया है। अभी सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं माने बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में ला नहीं होती है, इस शिक्षा को तो गद्दर मिले जा रहे हैं, पूरा नीचे की ओर ढकेल रहे हैं इन्होंने, पूरा शिक्षा को चौपट कर दिया है डबल इंजन की सरकार ने। ना वहाँ पर शिक्षक है, ना स्कूल में पढ़ाई होती है, ना किसी तरह का व्यवस्था दिया गया है। आप युवाओं को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं और क्या युवाओं को हम लोग सिग्नेचर अभियान के से जागरूक करते हुए अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से आगे भी जाएंगे, इसके बाद हम लोग को जो भी आगे जाने के बाद गांव-गांव तक एक एक बच्चा तक एक एक गार्जियन तक इस नीति को ले जाएंगे और हम उनको समझाएंगे कि जो नीति है हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, जहाँ पर पूंजीपतियों के बाल बच्चे को वहाँ पर पढ़ने के लिए सुविधा मिलेगी, आपके बाल बच्चों के लिए इनका साफ है, इनका नीति जो है आप साफ समझ सकते हैं। एक तरफ रोजगार जो देने वाली जो संस्था थी रेलवे, जो कि मैंने देश से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा रोजगार देने नेटवर्क थी, इसको रेलवे को बेच दिया। आप सोच सकते हैं इनकी नीति किस तरह से है, रोजगार एक तरफ से खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यू शिक्षा नीति लाकर कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब प्राइवेट हो जाएगी सारी चीजें तो अच्छा काम होगा, अभी सही से लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, कर्मचारी ठीक विकास होगा नहीं, काम नहीं करते हैं। जब कोरोना काल आया था, जब कोरोना काल देश की जनता पूरा कोरोना से त्राही माम थी, जनता को जान बचाने के लिए सब लोग जागरूक हो रहे थे, उस समय प्राइवेट निजी जो अस्पताल थी कहाँ थी, क्यों दरवाज़ा बंद कर लिया था? अभी जानते हैं ना देश के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल थे एक आध दुगो को छोड़कर सब निजी अस्पताल ने अपना कोरोना काल के समय दरवाज़ा बंद कर लिया था। उस समय तो सरकारी जो अस्पताल थे उसी को हम लोग खोज रहे थे और सरकार भी उसी को बढ़ा रही थी। अस्पताल और स्कूल में क्या लॉजिक है ये बताइए, क्या नहीं लॉजिक है? प्राइवेट अब जो आप पूछे हमसे कि प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उससे ठीक हो जाएगा, तो कोरोना काल के समय भी तो निजी अस्पताल थी ना, उसमें क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर लोगों को मदद कर रही थी, क्यों नहीं उसको देखभाल कर रही थी, क्यों उस समय सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल देख सब जनता को देखने के लिए माने रोगों इलाज कराने के लिए थी। कहना है कि जब प्राइवेट हो जाए तो वो लोग अपने मनमानी करेंगे, बिल्कुल मनमानी करेंगे। आप भी जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बिहार से लेकर पूरा देश भर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं हर साल माने उनका एडमिशन के नाम पर पैसा, ड्रेस के नाम पर पैसा। अब बताइए जो बच्चा यूकेजी में पढ़ता है उसको 10 बुक दिया जाता है प्राइवेट वाले, तो 10 बुक जब प्राइवेट वाले 10 बुक देंगे यूकेजी के बाद सारी चीज़ें स्कूल से ही लेनी, वही तो बोल रहे हैं यूकेजी के बच्चा को 10 बुक देना चाहिए, उसको तो पहले ABCD लेटर और अक्षर समझाना चाहिए, उसको 5 जोड़ 5 समझाना चाहिए कितना होता है, उसको 10 बुक थोप कर मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए दिया जाता है। उस समय बच्चों को और माने जागरूक करने के सिवाय उसको प्रेशर दे दिया जाता है कि आपको 10 बुक पढ़ना है।
तो आप सोच सकते हैं कि माने प्राइवेट हो जाएगा तो और उनको मनमानी चलेगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि निजी जो है चल रही है, देश की मोदी सरकार जो चला रही है, निजी हाथों में सब चीज़ दे रही है, उसका हम लोग हर हाल में अपोज करेंगे। और नई जो शिक्षा नीति इसका तो हम लोग पूरी तरह से मन मुखर होकर उसको पूरा हम मोदी सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लगातार करेंगे। जिस तरह से किसानों ने किया है, इसको नई शिक्षा नीति को वापस कराने के लिए हम लोग किसी भी हाल तक जाने के लिए होगा। हम लोग जाएंगे, भले शहादत क्यों ना देना पड़े, हम शहादत देंगे, लेकिन मोदी सरकार को अंत तक झुकना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। बिल्कुल। जो जेएनयू जेएनयू से पढ़ी हुई है और जामिया से कोचिंग की है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया और टॉप की है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे श्रुति शर्मा? हाँ श्रुति, हम उनको बहुत बहुत बधाई कि जे इस तरह से जेएनयू और जामिया को देखा जाता है और बदनाम किया जाता है, उसके बारे में देखिए, वो तो सरकार जॉब से आई है, 2014 से जॉब से आई है। आप भी जानते हैं कि जेएनयू का जामियों का बदनाम किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि जिस संस्था को बदनाम करती है भागवा वाले और आरएसएस वाले, मनु स्मृति वाले यानी बीजेपी वाले, उसी संस्था से पढ़ने वाली लड़की देश के सबसे टॉप माने रैंक जो होती है जॉब, उसको क्वालिफाई करते और नंबर वन बलाती है, यानी जेएनयू में पढ़ती हैं और टीचिंग ले रही हैं कहाँ का प्रोफेसर से, जामिया के, तो सोच सकते हैं दोनों का कितना कॉम्बिनेशन बढ़िया है। यानी किसी भी हाल में तो हमको लग रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है कि संस्था जो है जेएनयू और जामिया, इससे अच्छा बढ़कर कोई नहीं है। कि माने जहाँ से हमारी श्रुति जैसी लड़की माने टॉपर टॉपर निकलती है, एक तरह से एक जहाँ पढ़ती है और एक तरह से संस्था कोचिंग लेती है, वहाँ के प्रोफेसर से यूपीएससी के लिए तैयारी करती है, तो हमको तो गौरव है श्रुति पर हमारे जामिया और जेएनयू के कैंपस पे। चलिए भाई, पहले तो ये राज्य में इम्प्लीमेंट करना है और बिना राज्य के सहमति से इस कानून को जमीनी स्तर पर नहीं ला सकते हैं। बिना सरकार के सहमति से ये तो कोई कानून आप नहीं ला सकते हैं। अभी तमिलनाडु में इस एनएप को वहाँ के विधानसभा में गैर संसदीय बताया गया है, तो आप कैसे लागू करेंगे? एक ये बात है। पर एक ये बात है कि नई शिक्षा नीति में आप देखिए कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइज करेंगे, पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करेंगे। आपको हम बता रहे हैं, एक आंकड़े के अनुसार 70% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचरों को इंग्लिश सही से जानकारी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है, तो कैसे डिजिटल होगा? पहले तो आप शिक्षकों को ट्रेनिंग दीजिए कंप्यूटर चलाने की, माउस चलाने की, वो तो आप कर नहीं रहे हैं, ये तो थोप रहे हैं छात्रों को। सीधा सीधा कहना है, जो पहले की कमियां हैं उसे दूर किया जाए, फिर नई एजुकेशन जी जी बात किया एकदम। पहले देखिए, पहले तो आप बता रहे हैं सरकारी स्कूल में जाइएगा आपको नल सही नहीं मिलेगा, बेंच टूटे फूटे मिलेंगे, ठीक है? जो सरकारी स्कूल के दीवाल होते हैं आपको दरके हुए मिलेंगे। पहले आप उनको ठीक करिए, पहले टीचर को ठीक करिए आप, पहले कंप्यूटराइज करने की बात कर रहे हैं आप, तो सारा सिस्टम ही ठप कर देंगे। विकास कुमार हुआ जी, भोजपुर से आयशा का जिला से जी, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग छात्र संसद लगा रहे हैं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सवाल पर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों में आयशा ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभियान जंग छेड़ा है और लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। आज दिल्ली से पूरे देश में नई शिक्षा नीति के खिलाफ में हम लोग एक आंदोलन के लिए घोषणा करने आए हैं, रणनीति बनाने आए हैं छात्र संसद लगा। क्या इसमें खामियां है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या खामियां आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, देश में कोई भी नीति बने, नीति ये जरूरी नहीं, देश को नीति जरूरी है कि नहीं है ये पहले सरकार को सोचना समझना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इस देश को ज़रूरत नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार की एक साजिश है। सरकार की साजिश हम इसलिए कह रहे हैं कि जब देश में जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी शिक्षा है, वो आप ठीक नहीं है, और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि हम देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करें। उसमें खामियां क्या है? खामियां न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई हैं। पहला सबसे तो खामियां है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सामाजिक समानता कहीं भी नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आरक्षण की बात कहीं भी नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीका से इस तरह के कई प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खामियां हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में कहा जा रहा है स्किल पे काम होगा, जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर काम होगा, स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पे कहा जा रहा है। स्किल भाषा की जब आप बात कर रहे हैं, हमें एक बताइए कि एक तो सरकार का सबसे मेन जो
बात है, सरकार का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए हैं, तो इससे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगा। लेकिन इसी देश के अंदर में कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में एक केरल भी राज्य है। केरल राज्य सबसे पहले इस देश के अंदर में बेहतर एजुकेशन देते आ रहा है और तमाम राज्यों में अगर सरकार की ये सरकार सोचती तो तमाम राज्यों में भी बेहतर शिक्षा मिलता है। लेकिन क्या केरल में जो शिक्षा मिलती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बेस पर मिलती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होता है क्या उसके आधार पर मिलती है, इसलिए वहाँ पर केरल में शिक्षा बेहतर मिलती है? नहीं, केरल में बेहतर शिक्षा केरल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसी तरीके से अगर पूरे स्टेट के गवर्नमेंट पूरे स्टेट को अगर बेहतर शिक्षा देती तो ये बात नहीं होती। और सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितने भी देश के अंदर में विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, कैंपस हैं उनको बर्बाद करने का और शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का ये एक उसका नया एजेंडा और तरीका है। कहा जा रहा है कि पूरी भारत को एक पटल पे ला के एक नई शिक्षा नीति के द्वारा ला कर एक जगह खड़ा करने की बात हो रही है। कैसे खड़ा करेंगे, क्या रणनीति बनाए हैं, बहस क्यों नहीं कर लिए संसद में? बहस कर लेते पता चल जाता कि आपका शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है कहाँ देश को खड़ा कर रहा है और कहाँ देश को खाई में धसोर रहा है। ये तो आप बहस करा लेते संसद में, पक्ष भी था विपक्ष भी था, विपक्ष का भी बात सुन लेते, इस देश के छात्र नौजवानों का भी बात सुन लेते, छात्रों की नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सहमति बनती है कि नहीं बनती है ये आप बात सुन लेते। आपने तो सुना नहीं, आप तो इस देश के अंदर में हुक्मरानों की सरकार चल रही है, हुकूमत अपना देश के अंदर में दबदबा बना रही है। लेकिन इस देश ये लोकतांत्रिक देश है और हिंदुस्तान में कोई भी तनाशाही सरकार और किसी का भी हुकूमत इस देश के अंदर में नहीं चला है और मोदी का भी भाजपा का भी इस देश के अंदर में हुकूमत नहीं चलेगा आने वाले दिनों में। छात्र किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कि ये कामयाब हो, जो आप मिशन के लिए निकले हैं बिहार से आए हैं? हमारा मिशन है गाँव में, शहर में, शहर कस्बे मोहल्ले में, हर जगह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खामियां हैं उनको हम लोग बता रहे हैं। छात्रों से हम लोग स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, कैंपसों में, हर जगह, लॉज में, हॉस्टल में, गांव में बैठ कर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं और उसी संवाद करते हुए आज हम बिहार से दिल्ली में पहुँचे हैं और हमारे साथ पूरे बिहार से सैकड़ों छात्र नौजवान इस छात्र संसद में शामिल होने के लिए आए हैं।